भारतीय जनता पार्टी मालाबार हिल विधानसभा के सौजन्य से आमदार मंगल प्रभात लोडा द्वारा महामारी के दौर में स्थानीय मुंबईकरों की सहायता हेतु शारदा स्कूल गामदेवी में कोविड क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। अमृता फडणवीस के हाथों 22 अप्रैल को शाम 5 बजे कोविड क्वारंटाइन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कोविड क्वारंटाइन सेंटर में 50 बेड्स की व्यवस्था है। मंगल प्रभात लोडा के अनुसार आजकल तेजी से फैलते कोरोना से लोगों के मनों में भय व्याप्त हो गया है। जैसे ही किसी व्यक्ति का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो वो घबरा कर अपने घर वालों और परिजनों की सुरक्षा हेतु असिम्प्टोमेटिक होते हुए भी अस्पताल में भर्ती हो जाता है और परिणाम स्वरूप अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों के लिए बेड्स की भारी कमी हो जा रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने असिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए कोविड क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। इस कोविड क्वारंटाइन सेंटर में हमने एक ऑक्सीजन बेड का प्रबंध भी किया है ताकि किसी आपात स्थिति में और किसी मरीज को आकस्मिक जरूरत पड़ने लगी तो जरूरी इलाज उपलब्ध करवाया जा सके। महामारी के इस दौर में भाजपा मुंबई शहर की जनता की सेवा और सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। शारदा स्कूल गामदेवी में बना ये कोविड क्वारंटाइन सेंटर का 22 अप्रैल से कोविड के मरीजों के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ पर हम लोग ने जो 50 लोगों का बेड तैयार किया है, पचास लोग यहाँ पर रहेंगे और हम लोगों ने ये यहाँ पे पुरुष रहेंगे और 2 महिलाओं के हम लोग और 20 बेड महिलाओं के हम डालेंगे। 3 क्लासरूम हमने खाली कर दिए हैं और वहाँ महिलाएं रहेंगी। इमरजेंसी रूम है हमारे पास, ICU हमने बनाए हैं, हमारे वार्ड बॉय रहेंगे, हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, वो आएंगे। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, आजकल डॉक्टर सब वर्चुअल सबको सलाह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साक्षात रूप में डॉक्टर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे और ये पूरा फ्री ऑफ चार्ज रहेगा और लोगों को दवाइयाँ भी हम देंगे, फ्री देंगे और उनका जो भी इलाज रहेगा सारा का सारा फ्री रहेगा। और अमृता जी एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग फाउंडेशन तो ये काम करता ही रहता है और कर रहा है, लेकिन आज जब मेरी दोनों पोतियों को मालूम पड़ा कि दादा दादी ये कोविड सेंटर बना रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो पॉकेट मनी थी उनका जो भी उनको राखी के पैसे वगैरह मिले थे तो आज दोनों ने मुझे 51,000 रुपये दिए कि दादी ये हमारी तरफ से सबसे पहले कोविड सेंटर के लिए हम डोनेशन दे रहे हैं। और उसके पहले उन्होंने मुझे स्कूल के बच्चों के लिए डोनेशन दिया कि उनकी आप फीस भरिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि नई पीढ़ी में भी ये सोच आ रही है, ये संस्कार आ रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ ऐसा समाज से का सेवा का कार्य करते रहना चाहिए। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई आज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की हो या देश की हो, आज स्थिति बहुत खराब है। आज कोरोना की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आज जिससे भी जितना भी बन पड़े, चाहे वो हमारे रतन टाटा जी हो जिन्होंने इतने बड़े काम किए आज के दिन, या एक छोटी सी बच्ची हो या बच्चियाँ हो जो अपने पास का जो भी है वो दान करिए इस कोरोना की वजह से। तो हर एक इंसान अगर सामने आके अपने हिसाब से कुछ करे तो मुझे लगता है हम साथ मिलके ये जो कोरोना पॉजिटिविटी आई है उसे रियल पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे और कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए अभी इतना पीक टाइम हो गया कि हम विश्लेषण इस वक्त नहीं कर सकते इस चीज़ का। अब हमको परिस्थिति फेस करनी है और साथ में मिलके एकजुट होके, सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है, एक सामान्य इंसान, एक मजदूर, ये सफ़र कर रहे हैं। तो हम सरकार, कौन स्टेट काम कर रहा है कि सेंटर काम कर रहा है, ये छोड़ दें और एक साथ मिलके जितना जम पाए उतना काम करें। पहिल्या लाटेपेक्षा ही दुसरी लाट जी आहे ती नक्कीच खूप मोठी आहे। पहिल्या लाटेनंतर जो एक पिरियड आला होता जेव्हा लाईफ नॉर्मलाइज झाली होती तेव्हा कोणाला असं वाटलं नाही की एवढी मोठी दुसरी लाट येईल। इंजेक्शन आलेलं होतं आणि बाकी फॅसिलिटीज तयार होऊनसुद्धा इतक्या जास्त प्रमाणात लोकांमध्ये हे झालं की ते एक आउट ऑफ कंट्रोल गेल्यावर जाग आली। स्टेट्सनं पण आणि सेंटरला पण हे दिसतं आहे, पण आता जाग आलेली आहे। इंजेक्शन वैक्सीनेशन ठिकाणी आहे, आता 1 मे पासून सगळ्यांना घेता येईल
मला वाटतं वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह, प्रॉपर टेस्टिंग आणि अशा क्वारंटाईन सेंटर्समुळे खूप फरक पडणार आहे. लॉकडाऊन ऑलरेडी लागलेलं आहे, आपल्याला ह्या 15 दिवसात जर ही स्थिती हातात आली तर पुढे मग मॅनेजेबल होऊन जाईल असं वाटतं. संपर्क के लिए लोडा फाउंडेशन के लोग हैं और उनके नाम हम लोग जैसे दे देंगे कि जिस किससे संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर भी आकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि अगर जैसे ही एक बेड खाली होता है तो उसी जगह पर हम दूसरे को दे सकते हैं. और मैं लीजिए कहीं भी हो कि यशवी अभिनंदन लोढ़ा और आयरा अभिषेक लोढ़ा, तो 2 12 साल की है और 1 13 साल की है, तो दोनों के मन में ये जज्बा आया है तो ये मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ. और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब मिलकर अगर कुछ कार्य करें ना तो जो ये अंधकार है इसका नामो निशान मिट जाएगा. कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो. अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो. एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मली का तम पर विजय मनाती है. जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला लें तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए. तो आइए हमारे इस अभियान में आप सब जुड़िए. इतना छोटा छोटा कि सरकार क्या करी या देश हमारे लिए क्या करी, ये आज ये सवाल नहीं है. आज ये है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं और हम अपने देश के प्रति जो देश ने हमें दिया उसका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं, आज ये सोचने की बात है. धन्यवाद आप सभी का.